एक बार फिर आपका स्वागत है ऐसी नई तकनीक से लबरेज कहानियों में जो हमारे कार्यस्थलों और घरों को जल के प्रति स्मार्ट बनाती है और हमारे दिमाग को पानी संरक्षण के प्रति जागरूक करती है। मेरा नाम विकास और मैं ट्रांसवाटर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं लंदन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, लेकिन तभी मुझे खबरों के जरिए पता चला कि भारत में पानी की बहुत कमी है। मैंने साल 2008 में वापस आने का फैसला किया। तभी से मैं पानी को कैसे बचाया जाए और रिसाइकल किया जाए इस पर काम कर रहा हूँ। वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे शहर में बारिश का पानी कितना जमा होता है, बाकी शहर इस पर ध्यान देते हैं कि बारिश का पानी कितना बर्बाद हो रहा है जनसंख्या के लिहाज से। हमारा इक्विपमेंट में 11 स्टेजेस है ट्रीटमेंट का। जो भी एसटीपी ट्रीटेड वाटर आता है वो हमारे सिस्टम का इनपुट है और हमारा सिस्टम से जो पानी बाहर आता है वो पीने लायक पानी है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि एसटीपी मैंडेटरी है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जो भी है उसके लिए एसटीपी मैंडेटरी है, लेकिन वो एसटीपी होने वाले बस 20-30% का पानी यूज कर पाते हैं क्योंकि उनके पास गार्डन स्पेस नहीं है यूज करने के लिए। जो भी अभी एक्सेस पानी है अगर वो रिसाइकलिंग अडॉप्ट कर सकते हैं तो पानी भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं और हमारा फ्यूचर के लिए बहुत पानी मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट 50,000 रुपीस पर एकर स्पेंड करता है सरफेस एरिया मैनेज, सरफेस वाटर मैनेज करने के लिए, लेकिन ग्राउंड वाटर पे हम उतना स्पेंड नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं, पानी बस लेते ही रहते हैं। अगर हमारा रिसाइकलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत देशों की तरह, पानी का समस्या बहुत सॉल्व हो सकता है। अभी 2019 से लेके अब तक हम 7,650 टैंकर इक्विवेलेंट पानी सेव किए, ऑलमोस्ट 4.59 करोड़ लीटर पानी सेव किए हमारा क्लाइंट्स को। अगर हम ये पानी सेव नहीं करते तो इतना क्वांटिटी पानी बोरवेल या टैंकर से लेते हैं। हमें खुशी है कि हम इतना पानी सेव कर सके हमारा क्लाइंट्स को। हमारा क्लाइंट्स को अभी ये पानी कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं इसलिए वहाँ भी उनका कॉस्ट कम हो गया, कूलिंग टावर का ऑपरेशन अच्छा हो गया और पानी का कॉस्ट भी कम पड़ गया, उसमें भी हमें खुशी है। मेरा सोच है अगर सभी आईटी पार्क्स और मॉल ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत पानी सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ आया था तब अराउंड 30-40 फैमिलीज थी, अभी 60 फैमिली हो गई है। करीब 10 टैंकर हम लोग बाहर से मंगाते थे, यहाँ के बोरवेल से पानी नहीं आता था, बिल्कुल पानी नहीं आता था, तो इसीलिए हमने रिचार्ज पेट और बोसन वाटर वाइट वाटर सिस्टम लगवाया था। तो अब सिचुएशन ये है कि 50-60% ऑफ द वाटर हमारे बोरवेल से ही आता है। उसका दो कारण है, हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया इस रेन वाटर को और बोसन वाटर सिस्टम से जो वाटर मिलता है। आप देखेंगे कि एक छोटी सी लेक है हमारे लेआउट में, वो अक्सर दिसंबर तक ड्राई हो जाती थी पर अभी भी इसमें पानी है, तो वो सब बोसन वाइट वाटर सिस्टम लगाने के बाद हमें फ़ायदा हुआ है। अभी 2008 से लेके अभी 450 कस्टमर्स है हमारे पास। इस 450 कस्टमर्स में जो भी है, आईटी पार्क्स भी है, मॉल्स भी है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लेआउट, ये सभी हमारा कस्टमर्स है। अगले साल में हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा मॉल्स और आईटी पार्क्स कर पाएंगे।